कई इलाकों में इन दिनों भेड़ियों का आतंक जारी है, खासकर बहराइच और सीतापुर में भेड़ियों का आतंक बना है। बहराइच में भेड़ियों ने 8 बच्चों समेत 10 लोगों की जान ली है, जबकि 37 लोगों को घायल किया है। सीतापुर में 1 सितंबर को ही भेड़िये 4 लोगों को घायल कर चुके हैं। ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें भेड़िया माँ की गोद से बच्चे को छीन कर ले गया और अपना निवाला बनाया। इस घटनाओं ने दहशत का माहौल बना रखा है। आपको बता दें, भेड़ियों का अमावस की रात से खास कनेक्शन है, जिसमें वे ज़्यादा खूंखार हो जाते हैं, इसलिए लोगों की चिंता पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। आइए जानते हैं भेड़िये और अमावस की रात में क्या रिश्ता है और क्यों इस काली रात में इनका व्यवहार बदल जाता है। भेड़िये झुंड में ही शिकार करने निकलते हैं, एक दूसरे को एक खास तरह की आवाज़ निकाल कर संदेश भी देते रहते हैं। ये अपने शिकार पर इस तरह नज़र रखते हैं कि उसे पता भी नहीं चलता और फिर मौका मिलते ही हमला करते हैं। ये भेड़िये आम दिनों की अपेक्षा अमावस की रात में कहीं ज़्यादा खूंखार हो जाते हैं। एक आम मान्यता यह भी है कि अमावस्या पर सूर्य की शक्ति तेज होती है और इस वजह से रात में आसुरी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। यही वजह है कि हिंसक जानवर भी इस रात अपने स्वभाव में ज़बरदस्त परिवर्तन करते हैं और अन्य दिनों की तुलना में इस रात काफ़ी उग्र हो जाते हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट बताते हैं कि अमावस की रात हर तरफ घना अंधेरा छाया रहता है, लेकिन भेड़ियों के देखने और सूंघने की शक्ति अनोखी होती है। अमावस की रात भेड़िये एक खास तरह की आवाज़ निकालते हैं और अपने गैंग को बताते हैं कि शिकार के लिए परिस्थिति अनुकूल है। अमावस्या की रात काली होती है और अंधेरा शिकार के लिए माकूल रहता है, जबकि उन रातों में जब चांद की रोशनी ज़्यादा रहती है, भेड़िये इस रात की तुलना में अपेक्षाकृत कम सक्रिय रहते हैं। बहराइच में भी भेड़िये ने वही हमला किया जहां बिजली नहीं थी और जहां अंधेरा छाया था। हालांकि एक्सपर्ट यह भी मानते हैं कि इसका कोई प्रामाणिक आधार नहीं है। आपको बता दें, आज ही है अमावस्या की रात, 2 सितंबर 2024 को सुबह 5:21 पर होगा और इसका समापन 3 सितंबर की सुबह 7:54 पर होगा। 2 सितंबर को सोमवाती अमावस्या और 3 को भौमवती अमावस्या मनाई जाएगी। लोक मान्यता में इसे निशाचरी रात यानी काली रात कहा जाता है। इस पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।